हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम इग्नू की क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास इससे रिलेटेड सवाल आ रहे थे। तो मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी कोशिश की है, जो भी आपके सवाल थे या फिर कहीं जो भी आपके डाउट्स हैं क्लासेस से रिलेटेड, वो सभी मैं सोल्व कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपके जो चार इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो लिए हैं, जिसमें से कि पहला है, क्या इग्नू में डेली क्लासेस होती हैं, और दूसरा, क्लासेस कब तक स्टार्ट होंगी एडमिशन लेने के बाद, और थर्ड, क्या इग्नू में क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है, और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा कि आपको कैसे और कहां पता लगेगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो इन चारों सवालों के आपको डिटेल जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल के बारे में, क्या इग्नू में डेली क्लासेस होती हैं। तो इसका जवाब तो आपको इग्नू के नाम में ही मिल जाएगा। इग्नू का पूरा नाम होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब इसके नाम में ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में क्लासेस तो होंगी नहीं रेगुलर, क्योंकि जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो सिर्फ रेगुलर यूनिवर्सिटीज में ही होती हैं। और आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए, एक तो आपकी 12th होती है जो आप रेगुलर स्कूल से करते हो, और दूसरे केस में आप 12th ओपन से करते हो। तो क्या कभी आप जो ओपन से पढ़ाई करते हो उसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं? जवाब है, नहीं होती। तो यहाँ पर भी इसकी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी। फिर उससे पहले कि आप सोचो, क्या इग्नू में बिल्कुल क्लासेस नहीं होती? तो इसका जवाब है नहीं। इग्नू में क्लासेस होती हैं, पर वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे और संडे को, पर उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो जल्दी से मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें से पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि इग्नू में सभी प्रोग्राम्स की क्लासेस नहीं होंगी। कभी आप वेट करते रह जाओ कि मेरी क्लासेस होंगी, और लास्ट में आपको पता लगे कि आपकी क्लासेस हुई भी नहीं और आपने उसके चक्कर में कुछ पढ़ा भी नहीं। तो इसलिए अपनी स्टार्टिंग से ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और सेकेंड कंडीशन में, जो आपका प्रोग्राम है, मान लीजिए आपके पास BAG है और आपके पास उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपके टोटल जो भी 8 सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की क्लासेस हों। ये आपके स्टडी सेंटर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके 8 सब्जेक्ट हैं, अगर वो चाहें तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की क्लासेस अरेंज करें आपके लिए, या फिर 4 की भी अरेंज कर सकते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट की क्लासेस तो होना मुश्किल है, ये बात आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान रखना। और बात की जाए लास्ट पॉइंट के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी सैटरडे और संडे को क्लासेस होती हैं तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप सोच रहे होगे कि मेरी अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और हर सैटरडे संडे को होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो टोटल आपको 15 से 20 क्लासेस ही दी जाएंगी। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इग्नू के भरोसे मत बैठना क्लासेस के लिए, खुद से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, एडमिशन के कितने दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये वो सवाल है जिससे रिलेटेड मेरे पास भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं इग्नू के एडमिशन, आप इसको एग्जाम्पल के लिए अपने स्कूल के एडमिशन भी मान सकते हो। तो जब भी आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, उसमें ये तो होता नहीं है कि सबके एडमिशन एक ही दिन ही हो जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए 1 महीना एडमिशन चले, 2 महीना एडमिशन चले। तो मान लीजिए अगर आपने 1 जून को एडमिशन लिया है और एडमिशन चलने वाले 3 महीने, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जो कि 15 से 20 अगस्त के बीच में एडमिशन लेता है, और आप दोनों सेम ही कोर्स में एडमिशन लेते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए। जब भी क्लासेस होती हैं, एडमिशन खत्म होने के बाद ही होती हैं, ताकि सभी स्टूडेंट एक बार एडमिशन ले लें, उसके बाद सभी को एक साथ बिठा के क्लासेस स्टार्ट की जा सके। नहीं तो टीचर बेचारा बिना बात में परेशान हो जाएगा। एक स्टूडेंट अभी आ रहा है, बोले सर मेरा नया एडमिशन है, मेरे को पढ़ाओ। एक अगले हफ्ते आ रहा है और एक उसके बाद आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। सबको इकट्ठा बैठा के पढ़ाया जाएगा, जब भी पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, क्या इग्नू में क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इग्नू में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है, या फिर आपको एग्जाम में बैठने के लिए कुछ 75% अटेंडेंस चाहिए। इसमें आपकी मर्जी है, आप क्लासेस अटेंड करो या ना करो। और वैसे भी क्लासेस इतनी ज़्यादा होंगी नहीं, और कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे भी होंगे जिनकी एक भी क्लास नहीं होगी। पर हाँ, एक चीज़ अटेंड करना कंपलसरी है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जिन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है जिनके कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनको एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल अटेंड करना कंपलसरी है। और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो टोटल 7 दिन चलते हैं। वैसे तो अगर आप उसको 4 दिन भी अटेंड कर लोगे तो काम चल जाएगा, पर आप कोशिश करना, और 100% कोशिश करना कि आप उनको जितने भी दिन वो होते हैं सभी दिन अटेंड करो। नहीं तो इग्नू वाले बिना बात में आपके नंबर खा जाएंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, आपकी परसेंटेज खराब हो जाएगी। तो इसलिए टाइम निकालना अपना, जब भी आपके प्रैक्टिकल हो पूरे के पूरे अटेंड करना। और जो भी आपकी क्लासेस हैं, जब एडमिशन खत्म होंगे उसके 1-2 महीने बाद वो स्टार्ट होना चालू
हो जाएंगी। और जो हमारा फोर्थ सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको कहाँ और कैसे पता लगेगा कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको कैसे क्लासेस अटेंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिल्ली वन रीजनल सेंटर की वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये है दिल्ली वन रीजनल सेंटर की वेबसाइट। तो जब आप इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक लिंक्स का, और इसी में आपको फिफ्थ नंबर पे काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया होगा और इसी में आपको पता लगेगा कि आपकी क्लासेस हैं उनका शेड्यूल क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है काउंसलिंग शेड्यूल जनवरी 2022 सेशन, ये जनवरी 2022 वालों का है, आपका भी ऐसा ही सेम आएगा। और आपको जो यहाँ नंबर नजर आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 0707, ये रीजनल सेंटर का कोड है। जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसका भी ऐसा ही कोड शो होगा, आपको अपना उसका ध्यान रखना है। जब भी आपका रीजनल सेंटर का कोड यहाँ पे आता है आप यहाँ पे एक बार उसको चेक कर लेना। जैसे कि एक बार इसको चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने काउंसलिंग का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्टडी सेंटर का कोड दिया गया होगा और नीचे आपको जो स्टडी सेंटर है उसका नाम और एड्रेस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है स्टडी सेंटर का कोड 07191, ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज गोविंदपुरी कालका जी न्यू दिल्ली का है। और अब इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जनवरी 2022 एडमिशन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कोविड चल रहा है, उसकी वजह से जो भी क्लासेस हैं उनमें से मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं अभी के लिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन का दिया हुआ है। अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन होंगी तो आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इसकी अदर डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोग्राम कोड दिया होगा, तो ये BSc G का काउंसलिंग शेड्यूल है। और यहाँ पे कोर्स कोड दिया गया है, कोर्स कोड यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है वो कोड यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा आपको ये नजर आ रहा होगा पेपर टाइटल, इस पेपर को एग्जाम वाले पेपर से कंफ्यूज मत कर लेना, ये बस यहाँ पे वो टाइटल दिए गए हैं जिस दिन आपकी जो क्लास होगी, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इस टॉपिक पे होगा। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे इस क्लास की डेट दी गई है। तो ये जो BSc G की क्लासेज है जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो अगस्त में स्टार्ट होंगी। सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस दिन किस चीज की पढ़ाई होगी। जैसे कि आप देख सकते हो अगस्त में क्लासेज है और सेप्टेम्बर में भी क्लासेज है। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 9 से लेकर 11 बजे तक है सुबह। और उसके अलावा जो भी आपके काउंसलर हैं यानी कि जो भी आपको पढ़ाएंगे उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसका आपको यहाँ पे लिंक दिया गया होगा। अगर गूगल मीट पे क्लास होती है तो गूगल मीट का लिंक होगा, और इसके अलावा जूम पे क्लास होती है तो यहाँ पे उसका लिंक होगा। तो इसी प्रकार जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको भी जो आपकी रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट है ऐसा ही काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें कि पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको वेबसाइट के अलावा और कैसे पता लग सकता है कि आपकी क्लासेस कब होंगी। तो इग्नू की तरफ से जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर एक मेल सेंड किया जाएगा क्लासेस के रिगार्डिंग, उसमें क्लासेस का पूरा शेड्यूल दिया गया होगा, जैसे कि क्लास का टाइम और डेट। अगर क्लासेस ऑनलाइन होती हैं तो उसके बारे में बताया गया होगा, अगर क्लासेस ऑफलाइन होती हैं तो स्टडी सेंटर का नाम मेंशन होगा उसमें। पर उस मेल के भरोसे मत बैठना क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलता ही नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। वैसे चांसेस अब की बार ये है कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बाकी आपको ये तो अब पता लग ही गया होगा कि आपको कहां से चेक करना है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।